भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि अब वो 2000 रुपए के नोटों का चलन नहीं करेगा। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन भी दी गई है। आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के जितने भी नोट हैं आपको या तो अपने बैंक खाते में जमा करने होंगे या उन्हें एक्सचेंज कराना होगा बैंक में जाके। अभी भी 2000 का नोट लीगल टेंडर है, 30 सितंबर तक इसको लीगल टेंडर माना गया है। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगी क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है बैंक में नोट ले जाने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि 2000 का नोट आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दे। देखिए वीडियो अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं सबसे बेहतर टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन जो एक सफल बिजनेस के लिए जरूरी होता है। हम लेकर आते हैं बिजनेस मोटिवेशन के अलावा एजुकेशनल, सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योर से जुड़ी जानकारियां जो आपकी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए जरूरी है। आज इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं कि 2000 का नोट जो बंद हुआ है, आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको डिटेल में बताएंगे और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये 2000 का नोट आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे। इसलिए ध्यान से देखिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा, सारी जानकारियां इसमें आपको मिलेंगी। 500 और 1000 रुपए के नोटों को 2016 में मोदी सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि वो बंद किए जा रहे हैं। उसके बाद नया 500 का नोट और 2000 का नोट, एक पिंक कलर का नोट बाजार में उतारा गया। जो 2000 रुपए का नोट था, आरबीआई ने स्वच्छ नोट नीति, क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत अब 2000 के नोट को बाजार से वापस लेना, आपके पास से वापस लेने का निर्णय लिया है। क्यों लेना पड़ा यह निर्णय? क्योंकि 2000 का नोट जब 4 से 5 साल पहले 2016 में आया था तो 89% करेंसी जो थी 2000 रुपए की मार्केट में उतारी गई थी। लेकिन 31 मार्च 2023 का यह डेटा है, आरबीआई ने खुद यह डिक्लेयर किया था कि 9,32,000 करोड़ लगभग 10% ही नोट प्रचलन में रह गए, इतने नोट बाजार से गायब हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जनरेट हुआ, कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी तिजोरियों में भर लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि अब 2000 का नोट चलन में नहीं रहेगा, वो हम वापस लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी सब को ध्यान में रखते हुए 23 मई यानी कि कल से इसका एक्सचेंज शुरू हो जाएगा या अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। 2000 के नोट 4 महीने के लिए वैलिड होंगे, अभी ये लीगल टेंडर है लेकिन 4 महीने बाद शायद इस पे डिसीजन आए, ये लीगल टेंडर ना रहे। 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक नोटों को बदला जा सकता है। आपके पास अगर 2000 के नोट हैं तो 4 महीने के का समय लगभग आपके पास है, कल से आप इसको जरूर बदलवा लें। सलाह दी जाती है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं, एक्सचेंज करा लें। 23 मई 2023 से इसका एक्सचेंज शुरू हो जाएगा या अपने बैंक खाते में इसको जमा करा सकते हैं। गैर खाता धारक जो हैं, जिनके पास खाते नहीं हैं, उनके पास अगर 2000 का नोट है तो वो इसको जाके बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए आपका KYC गवर्नमेंट को करना चाहिए था लेकिन अभी उसमें छूट दी गई है। बिना किसी प्रतिबंध के 2000 रुपये आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं। जमा कराने की गाइडलाइन आरबीआई ने जो दी है वो वन बाय वन मैं बताता हूं। जो भी नोट अब बैंक में जाएगा उसको मशीनों द्वारा चेक किया जाएगा। सावधानी बहुत बरतनी है आपको, पहले ही आप इंश्योर होकर जाएं, नहीं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको जेल तक हो सकती है। जो भी नोट जाएगा वो मशीनों द्वारा उसकी जांच की जाएगी। यदि बैंक में कोई नोट नकली पाया जाता है तो उसको ग्राहक को वापस नहीं किया जाएगा, उस पर फेक करेंसी का एक मोहर लगा दी जाएगी, उस पर फेक का एक मोहर लगा के बैंक के द्वारा रिटेन कर लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में नकली नोट निविदाकर्ता यानी कि जमाकर्ता के पास नहीं आएगा, ये एक बैंक का रूल बनाया है। आरबीआई ने कहा है अगर नकली करेंसी का कोई नोट आ जाता है तो उस पर आप फेक करेंसी लिख के अपने पास रखेंगे और उस बंदे की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो ये करेंसी लाया है। इसके अलावा यदि एक ही लेन देन में 2000 के 10 नोट आप बदल सकते हैं, अगर 4 नोट एक बार में 10 नोट बदल सकते हैं, 20,000 की करेंसी आप बदल सकते हैं। यदि एक बार में 4 नोट नकली निकल जाते हैं, 4 फेक करेंसी के नोट निकल जाते हैं तो नोडल अधिकारी को ये सूचना देनी होगी, आपकी जानकारी नोडल अधिकारी तक जाएगी और लोकल पुलिस थाने में भी ये सूचना देनी होगी। तो ये बहुत खतरनाक है।
अगर 5 नोट आपके 10 में से नकली निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली है, आप नकली नोट का धंधा करते हैं। तो इस कंडीशन में नोडल अधिकारी के पास तो खबर जाएगी ही, आपकी FIR भी करने का प्रावधान है, आपके खिलाफ FIR हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से ये जाएं और नोट पहले ही चेक करा लें। जब बैंक में जा रहे हैं उससे पहले ही आप नोट चेक करा लेंगे तो आप बच सकते हैं। ये मासिक लेन देन, ये पूरे इसका रिकॉर्डिंग रखने के लिए RBI ने कहा है, पूरे जो ट्रांजेक्शन होगा इसका रिकॉर्डिंग CCTV के अंतर्गत होगा, CCTV से इसको कैप्चर किया जाएगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर को भी, ऑफिस को भी इसमें अलर्ट किया गया है, उसको भी ये सूचना दी जाएगी जिससे कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बैंक सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो CCTV के अंतर्गत करेंगे, तो ये ध्यान रखना होगा। यदि आप किसी वजह से फंस जाते हैं इस केस में तो आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है, 2000 का नोट आपको जेल भी भिजवा सकता है। तो इसलिए सावधानी से बैंक में नोट एक्सचेंज करने जाएं, अपने बैंक में जमा करें, बैंक खाते में जमा करें या एक्सचेंज करने जाएं, पहले ही डबली श्योर हो जाएं कि ये नोट असली ही हैं। लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी 1 डिमोनेटाइजेशन एपिसोड नंबर 1 हुआ था, सीजन 1 आया था, उसमें बैंकों ने एक्सचेंज गरीब आदमी के लिए खोला गया था, RBI ने एक्सचेंज गरीब आदमी के लिए खोला था, लेकिन उसका पूरी तरीके से मिसयूज हुआ, जिसके कारण बताया जाता है कि नोटबंदी 1 जो है डिमोनेटाइजेशन 1 का अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, वो फेलियर रही। और इसी तरीके से कुछ मार्केट सेंटीमेंट्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं, मार्केट सिनेरियो इस तरीके से देखने को मिल रहा है, सुनहरों के यहाँ भीड़ शुरू हो गई है, 2000 का नोट में अब गोल्ड खरीदा जा रहा है और सुनहार इसको 10-15% महंगा करके गोल्ड बेच रहे हैं। आज मार्केट में रेट 66,000 तक गोल्ड 24 कैरेट का बिका, जिसमें 2000 के नोट में अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो 66,000 रुपये तक ले रहे हैं, जबकि मार्केट रेट जो है 59,000 और 60,000 पर 10 ग्राम का है। तो कहीं ना कहीं रास्ते निकाल लेते हैं, इसके लिए सरकार को अलर्ट होना चाहिए, इसके लिए सरकार को पहले से पॉलिसी बनानी होगी, कहीं ये भी इनका डिसीजन गलत ना हो जाए और इसका कोई फायदा ना मिले आम जनता को, कहीं ब्लैक मनी निकालने के चक्कर में जो गाइडलाइन आई हैं ये भी फेल ना हो जाए। तो अभी से ही लोगों ने रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं एक्सचेंज जो नोट हो रहा है वो भी KYC के अगेंस्ट होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि KYC के अगेंस्ट होगा, उसकी भी जानकारी रखनी होगी, नहीं तो बड़े बड़े लोग अपनी लेबर को लगा के, अपने कर्मचारियों को लगा के एक्सचेंज के लिए बैंकों में लाइन से लगा देंगे और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा किसने कितने नोट एक्सचेंज किए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट लाइक दिस। इफ यू हैव एनी सजेशन और टॉपिक यू वुड लाइक मी टू कवर इन द फ्यूचर वीडियो, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।